कहाँ से पढ़ लिया आपने हाँ? क्या पढ़ते हो भाई हाँ? चंपक लोटपोट हाँ? कहाँ पढ़ा हाँ? क्यों भाई क्लाउड कंप्यूटिंग अभी आप इंटरनेट से क्या लेते हैं आप अपने डिजिटल गैजेट को डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ते हैं मोबाइल hmm, को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा लैपटॉप को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जोड़कर आप इंटरनेट नेटवर्क से क्या प्राप्त करते हैं डेटा प्राप्त करते हैं ना डेटा एक्सेस करते हैं डेटा प्राप्त करते इंफॉर्मेशन लेते हैं अभी तक हम इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ डेटा प्राप्ति के लिए ही करते हैं लेकिन इस इंटरनेट नेटवर्क से हम डेटा के साथ साथ दूसरी चीजें भी प्राप्त कर सकते हैं आप बाज़ार से जाते हो बाज़ार जाते हो कंप्यूटर ख़रीदते हो ठीक है ना इस कंप्यूटर को ख़रीदने के बाद फिर कुछ सॉफ़्टवेयर्स आप लेते हो इंस्टॉल कराते हो उनको सॉफ्टवेयर्स की कीमत होती है हुँ? वो तो धन्य है भारत कि हमें सॉफ्टवेयर ख़रीदना नहीं पड़ता हम तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर से कहाँ चला लेते हैं पाँच पाँच हज़ार के बीच सॉफ्टवेयर डलवाए हैं अपने कंप्यूटर में डालने वाले को सौ रुपये दे दिए कितने दिए सौ रुपये में पाँच पाँच हज़ार के बीच सॉफ्टवेयर वो डाल कर चला गया ये पायरेसी का कमाल है हम जैसे ग़रीब मुल्कों में पायरेसी रहनी चाहिए वरना बर्बाद हो जाएंगे वरना बर्बाद हो जाएंगे हम तो आबाद हुए लेकिन कोई और बर्बाद हुआ कोई और बर्बाद हो गया हम क्या करते हैं ये सॉफ़्टवेयर्स परचेस करते हैं इन सॉफ़्टवेयर्स को हम इंस्टॉल करते हैं हम नैतिकता की बात कर रहे हैं ठीक है हम नैतिक मूल्यों पर बात कर ऐसा ही करना चाहिए आपको अगर सॉफ्टवेयर चाहिए है तो जाइए बाज़ार से एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर ख़रीदिए और ख़रीद कर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कीजिए जाके बीस हज़ार का कंप्यूटर ख़रीद कर लेकर आए हैं और पाँच छः सॉफ्टवेयर डाले हैं तो पच्चीस हज़ार रुपये के सॉफ्टवेयर हो गए कंप्यूटर सस्ता चलाने के लिए सॉफ्टवेयर महंगे कल और एक को सॉफ़्टवेयर की ज़रूरत हुई फिर बाजार में गए पाँच छः हज़ार रुपये का फिर एक सॉफ्टवेयर लेकर आए इंस्टॉल किया जब जब सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हुई जेब खाली हो गई जेब खाली हुए हम क्या चाहते हैं अब सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च करना न पड़े कोई हमें सॉफ्टवेयर किराए पर दे दे हमसे महीने में चार्ज लेता रहे महीने में चार्ज लेता रहे सौ रुपए ले ले बीस रुपए ले 25 ले पच्चीस रुपए ले ले तीस रुपए ले ले चालीस रुपए ले ले ठीक है दूसरा आप कंप्यूटर लेकर आए हैं कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में रैम है डेटा स्टोर करते चले गए कुछ दिनों के बाद लगा कि हार्ड डिस्क फुल हो गई आपको हम डेटा सारा महत्वपूर्ण रखा हुआ कुछ उड़ाना भी नहीं चाहते और डेटा सेव करना है आपको अब एक और हार्ड डिस्क चाहिए ज़्यादा प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं इन प्रोग्राम्स को रन कराने पर स्पीड कम हो जा रही है किसी ने बताया कि रैम बढ़ा दो रैम की कैपेसिटी बढ़ा दो अभी तो हमारे पास सिर्फ दो जी की रैम है उसने कहा कम से कम चार जी की रैम होनी चाहिए दो जी की रैम और लगवा दो समय समय पर आपको हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती रहती है कीमतें ज्यादा है बाजार में हमारी आपकी आर्थिक क्षमता इतनी नहीं है कि हम हर जरूरत पर हाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खरीदें हम चाहते कि कोई हमें किराए पर दे दे हम इंटरनेट नेटवर्क से इन चीजों को किराए पर ले सकते हैं क्या कर सकते हैं किराए पर ले सकते हैं किराए पर हम उनका सॉफ्टवेयर ले सकते हैं सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर पर नहीं सेव करेंगे कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं होगा बल्कि इंटरनेट के नेटवर्क पर पड़ा होगा हम इंटरनेट पर ही जाकर उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे कंप्यूटर पर नहीं आएगा हमें डेटा स्टोर करना है हमारी हार्ड डिस्क भर गई है हमें डेटा स्टोर करना है हम नई हार्ड डिस्क खरीदना नहीं चाहते हैं हमने गए और इंटरनेट के मेमोरी पर स्टोरेज स्पेस पर अपने डेटा को स्टोर कर दिया डेटा को स्टोर कर दिया इस पूरे नेटवर्क को क्लाउड कहते हैं क्या कहेंगे क्लाउड कहेंगे ये सॉफ्टवेयर का नेटवर्क है जहां पर आपको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे बस आपको उनके इस्तेमाल करने का चार्ज देना पड़ेगा इस्तेमाल करने का चार्ज देना है जैसे ये ई सर्विस है ई सर्विस से समझ सकते हैं आप ई आती है आपके पास हुँ? आप ईमेल एक्सेस करते हैं गूगल मेल पर जाते हैं इनबॉक्स खोलते हैं इस इनबॉक्स में सैकड़ों की संख्या में आपकी मेल्स पड़ी होती है लेकिन ये मेल बॉक्स आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर नहीं होता है ये तो इंटरनेट सर्वर पर पड़ा होता है कहाँ है इंटरनेट सर्वर डेटा आपका है मेल आपकी है लेकिन रखी कहां हुई है इंटरनेट नेटवर्क पर रखी हुई इंटरनेट के सर्वर पर रखी हुई इसी तरीके से आप अपनी जरूरत की चीजें इंटरनेट नेटवर्क पर रख सकते हैं ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको सॉफ्टवेयर एज अ सेवा देते हैं एज अ सर्विस देते हैं अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको डेटा दे रहे हैं लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको सॉफ्टवेयर भी देते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको हार्डवेयर भी देते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब डेटा एज अ सर्विस ऑन इंटरनेट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑन इंटरनेट जो भी आप चाहते हो आपको मिल जाएगा डेटा भी मिलेगा सॉफ्टवेयर भी मिलेगा इस्तेमाल करने के लिए और हार्डवेयर भी मिलेगा मेमोरी डिवाइस भी मिलेगी अपना डेटा स्टोर करने के लिए अब आपको बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं एक बार कंप्यूटर खरीद कर लेकर आइए उसके बाद कभी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है कभी कुछ खरीदने की घर से निकले है, दिल्ली हैं दिल्ली आए हैं तैयारी करने के लिए एक तरीका यह यहाँ एक कमरा खरीद लीजिए साल भर रहना है तैयारी करने के लिए और एक तरीका है एक कमरा साल भर के लिए किराए पर ले लीजिए कौन सा आसान है कौन सा आसन पाँच हजार रुपये का सॉफ्टवेयर खरीदने से अच्छा है दस दस रुपये हर महीने दे दीजिए इस्तेमाल करने के लिए इस पर आप आपका ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग गवर्नमेंट क्या करेगा क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क स्टेब्लिश करेगा और इसी क्लाउड के ऊपर इसी क्लाउड के ऊपर सारी की सारी जानकारियां रखी होगी जाइए और इस क्लाउड्स को एक्सेस कीजिए उस क्लाउड से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लीजिए साथ ही साथ इस क्लाउड पर हर व्यक्ति को प्राइवेट स्पेस भी दिया जाएगा क्या दिया जाएगा प्राइवेट स्पेस और इस प्राइवेट स्पेस पर अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट स्टोर कर दीजिए इसी को डिजिटल लॉकर कहते हैं क्या कहेंगे डिजिटल लॉकर जगह जगह अपने डॉक्यूमेंट लिए घूमते हो ना बर्थ सर्टिफिकेट टेंथ की मार्कशीट ट्वेल्थ की मार्कशीट ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट ये सब लिए घूमते हो ट्रेन में जा रहे हैं ब्रीफ केस में सूट केस में सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हो चोरी हो गई हाँ क्या हो गया चोरी हो गई अब परेशान है घूम रहे हैं चेहरा उतरा हुआ है चार पांच दिन से नींद नहीं आ रही सारी मेहनत ब्रीफ केस में रखी थी चली गई ब्रीफ केस में चली गई अब आपको ये सब कुछ करने की जरूरत इस सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उठाकर कहाँ रख दीजिए डिजिटल लॉकर में रख दीजिए कहाँ डिजिटल लॉकर कहाँ है ये इंटरनेट पर है नेटवर्क पर है पूरी दुनिया में कहीं से भी आप एक्सेस कर लीजिए अपने प्रॉपर्टी के पेपर वहाँ स्कैन करके डाल दीजिए डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाते हैं प्रिस्क्रिप्शन हैं रिपोर्ट्स हैं इन सबको उठाकर डिजिटल लॉकर में डाल दीजिए डिजिटल लॉकर में डाल दीजिए कहीं भी जाइए आप कहीं से उन इंफॉर्मे उन डॉक्यूमेंट्स को आप रिट्रीव कर सकते हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं यानी अब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो मोबाइल हो गए हर जगह मूव कर रहे हैं हर जगह से एक्सेसिबल हैं कहीं भी आप इनको प्राप्त कर सकते हो ये डिजिटल लॉकर फैसिलिटी है डिजिटल लॉकर अब अगर आपके स्पेस पर इस क्लाउड में प्राइवेट स्पेस पर आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं तो इनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए सुरक्षा भी होनी चाहिए उस सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं कड़े इंतजाम किए गए हैं हर आदमी कोई भी आदमी जाके अपना डिजिटल लॉकर ओपन कर सकता है लेकिन यहाँ पर भी सिक्योरिटी है हर एक को एक यूनिक आईडी मिलेगा पासवर्ड मिलेगा आधार कार्ड से आधार नंबर से लॉकर लिंक होगा आधार आपका मोबाइल नंबर से लिंक होगा आप इंफॉर्मेशन भेजोगे आधार नंबर के जरिए आपकी वैलिडिटी चेक की जाएगी और एक आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा और इस वन टाइम पासवर्ड के जरिए आप डिजिटल लॉकर को एक्सेस करोगे दोबारा जब जाओगे डिजिटल लॉकर पर फिर आप वहां रिक्वेस्ट भेजोगे आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा और उस वन टाइम पासवर्ड के जरिए फिर डिजिटल लॉकर को एक्सेस करोगे एक तो मोबाइल वन टाइम पासवर्ड के जरिए मोबाइल वन टाइम पासवर्ड और दूसरा बायोमेट्रिक अगर आपके कंप्यूटर में आपकी बायोमेट्रिक सूचनाएं हैं तो उन बायोमेट्रिक सूचनाओं के जरिए आपकी वैलिडिटी चेक कर ली जाएगी ऑथेंटिसिटी चेक कर ली जाएगी वेरीफाई कर लिया जाएगा वेरीफाई कर लिया जाएगा तो बायो मेट्रिक क्या है बायो मेट्रिक सो दीज आर द टू वेज टू साइन अप टू हैव एक्सेस टू डिजिटल लॉकर डिजिटल लॉकर बड़े पैमाने पर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे अब डिजिटल नेटवर्क पर आदान प्रदान होगा ना ट्रांजेक्शन होंगे हुं? ट्रांजेक्शन होंगे अब इस ट्रांजेक्शन जो आप करते हो वहाँ आप अपने सिग्नेचर करते हो चेक लीफ भेजते हो बैंक से पैसा निकालने के लिए तो उस पर साइन करते हो कोई पेपर भेजते हो तो उस पर साइन करते हो अब तो सब कुछ पेपरलेस ट्रांजेक्शन होगा और अगर पेपरलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप पेपर पर साइन करके ही ये वेरीफाई करते हो ये प्रूव करते हो ये इंश्योर करते हो कि आप ही ने इसको भेजा है तो यहां पे भी किसी तरीके से कोई सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन होना चाहिए और सर्टिफिकेशन के लिए क्या होगा ई साइन यह सेवा शुरू की जाएगी जिस तरीके से डिजिटल लॉकर सेवा शुरू की जाएगी उसी तरीके से ई e साइन सेवा शुरू की जाएगी राइट इसी से मिलती जुलती डिजिटल सिग्नेचर सेवा पहले से चल रही है लेकिन डिजिटल सिग्नेचर सेवा अपने आप में जटिल सेवा है हर आदमी के जरिए डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना मुश्किल है जटिलताएं हैं प्रक्रिया जटिल है बहुत सारे वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होते हैं उस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से लोगों के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना मुश्किल है हम तो हर आदमी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हर आदमी को हम वही पुराने डिजिटल सिग्नेचर देंगे तो जटिलता बहुत बढ़ जाएगी हमने बहुत आसान सिग्नेचर सिस्टम बनाया है जिसे ई सिग्नेचर सिस्टम कहते हैं सीधे ये आधार कार्ड से जुड़ा होगा बस और कहीं किसी प्रकार का कोई वैलिडेशन कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी कोई ऑथेंटिफिकेशन होगा नहीं कहीं से कोई जांच पड़ताल होगी नहीं डिजिटल सिग्नेचर लेने जाओगे तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होंगे डिजिटल सिग्नेचर इशुइंग अथॉरिटी होती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी के पास आप जाते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हो वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर असाइन किया जाता है लेकिन आम आदमी ये सब नहीं कर सकता है बड़े बड़े बिजनेस में तो ये चलता है बिजनेस ओपन करोगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओगे तो सारा ट्रांजेक्शन आपको ऑनलाइन करना होगा और उस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल सिग्नेचर चाहिए लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता है आम आदमी तक सुविधा पहुंचे सेवा पहुंचे उसके लिए एक आसान विकल्प बनाया गया जिसे ई सिग्नेचर का नाम दिया गया है ई सिग्नेचर का नाम दिया गया यह आपके आधार कार्ड से आधार नंबर से जुड़ा होगा सीधे उसी से लिंक्ड होगा और आधार कार्ड के जरिए ही सारी के सारा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा ठीक है इसके साथ साथ इसके साथ साथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा क्या बनाया जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा और इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर देश में जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो सारी स्कॉलरशिप की डिटेल यहां पर मौजूद होगी अब आप एक सिंगल साइट पर विजिट करके एक सिंगल पोर्टल पर जाकर देश के विभिन्न स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अभी बड़ी समस्या यह है कि हमें स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी ही नहीं होती बहुत सारी सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप स्कीम्स चलती हैं लेकिन हमें जानकारी ही नहीं होती हमें पता भी नहीं होता कहाँ से हम जानकारी प्राप्त करें लेकिन अब एक ही जगह इनको कन्वर्ज करने पर आप वहाँ पर विजिट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन एज है और ऐसी इन्फॉर्मेशन एज में हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको इन्फॉर्मेशन एक्सेस मिलना चाहिए वी कैन नॉट डिप्राइव एनी वन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन राइट इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिलीवर टू एनी वन इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए ठीक है ना ये बात रही आपके इसके बारे में अब हम नेट न्यूट्रालिटी के बारे में आप, बात करते हैं